अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद बीनिश। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो वेकेशन से आने के बाद जो है ये मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है, और ये व्लॉग कैसा होने वाला है ये आप मेरा होलिया देख के समझ जाएं। क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि जब मैं वापस आई हूँ और अपने घर में इंटर हुई हूँ, तो मैं अपना घर देख के जो है वो चकरा सी गई। क्योंकि जो है हमारे जाने के बाद मूनसून है, तो यहाँ पर भी बारिश जो है वो हुई होंगी और आंधी भी शायद चली है, जिसकी वजह से जो घर में ना मिट्टी की जो है ना वो एक तह सी जो है वो लगी हुई है। मैं अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर कर गई थी, और जो है लेकिन वहाँ पर मिट्टी और ऊपर से शायद वो जो कलर है वो भी गिर चुका है, और जो इवन ये कि जो दरवाजे हैं मेरे वहाँ पर भी मिट्टी की तह लगी हुई है, बाकायदा जो है ना वो काई है। ये मैवरिक बोल रहा है, अब जिस तरह से मैं बोलूँगी ना वो मेरी नकल करके वैसे ही बोलता है, तो उसको वो मेरी आवाज़ आ रही है तो वो ऊपर से वैसे ही जो है वो बातें किए जा रहा है। तो फिर ये है, और आपको शायद मैंने बताया था कि मेरे जाने से जो है वो 2 दिन पहले ही जो है वो मेरी हेल्पर जो थी वो काम छोड़कर चली गई थी। तो आज तो मुझे ही सारा काम करना है। अभी मैं कहाँ से किसी हेल्पर को ढूंढूंगी और कोई अच्छी कहाँ से मुझे मिलेगी? कि पहले तो मैंने सोचा कि आधा आधा कुछ कुछ करती हूँ, बाकी मैं पेंडिंग कर दूंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद को चैलेंज करूंगी। और फिर मैंने कहा कि चले मैं देखती हूँ कि अगर मैं 15 से 20 मिनट भी एक एक काम को लगाए, लेकिन किचन में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उस हिसाब से फिर मैं जो है वो कर लेती हूँ काम अपना। तो जो है यही रूटीन जो है मैं आपके साथ जो है वो आज शेयर कर लेती हूँ। चलो क्लीनिंग मूड ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज हम क्लीनिंग की बात करेंगे। घर जब हर तरह से मैसी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। तो जब मैं इस सिचुएशन में होती हूँ तो सबसे पहले जो है वो मैं अपना बेडरूम जो है वो क्लीन करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हम सबसे पहले बेडरूम जो है वो क्लीन कर देते हैं, तो हमारा आधा जो है वो घर जो है वो क्लीन हो जाता है। ताकि अगर आप काम करते हुए थक जाएं तो रेस्ट करने जो है वो रूम में जो है वो आराम से आ सकें। आज अगर मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा सोचूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी तो मुझे स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा और मुझसे कोई भी काम जो है वो ठीक तरीके से जो है वो नहीं हो पाएगा। बेडरूम साफ़ करते हुए मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितनी देर में फिनिश कर दूँगी। 15 मिनट में ये काम मुझे कर लेना चाहिए, और बस यही चैलेंज मैं अपने आप को जो है वो बार बार याद करा रही थी। हर काम जो है वो बहुत मुश्किल होता है जब तक कि हम ये ना जान लें कि उस काम को जो है वो हमें करना कैसे है। अक्सर ये होता है कि जब मेरा घर जो है वो मैसी हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिव जो है वो फील हो रहा होता है। लेकिन जब मैं वो काम कर लेती हूँ और उस एरिया को जो है वो मैं क्लीन भी कर देती हूँ, तो वही काम वही रूम जो मुझे सबसे बुरा लग रहा होता है और उसको देख के मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही होती हैं, उसको फिर जब वो क्लीन हो जाता है तो फिर मुझे गुड वाइब्स आने लगती हैं और फिर मुझे जो है वो पॉजिटिव फील होता है। यहाँ अभी मैंने अपना जो है वो ड्राइंग रूम है वहाँ की डस्टिंग की है, और अब मैं वहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये रहा मेरा वॉशरूम, ये भी काफ़ी जो है वो डर्टी हो रहा था और मुझे अब इसको क्लीन करना था नंबर 2 पे, और मैं हारपिक जो है वो यूज़ करूँगी। कोई ख़ास मैं चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, हारपिक जो है वो मैं पहले ही डालकर रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है फिर वॉशरूम जो है वो क्लीन करूँगी।
छोटे टॉवल के साथ जो है वो मिरर क्लीन कर रही हूँ, लेकिन मिरर जो है वो अच्छा क्लीन जो है वो न्यूज़पेपर के साथ ही होता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई न्यूज़पेपर जो है मौजूद नहीं था और ना मेरे पास होते हैं अब। सबसे लास्ट में डीप क्लीनिंग की बारी आती है मेरी किचन की। ये मेरी किचन का डोर है और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मिट्टी से अटा हुआ है और फ्लोर भी काफ़ी जो है वो डर्टी है, और यहाँ पे आपको मिट्टी के जो है वो कुछ पार्टिकल्स भी जो है वो नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि मैं पूरा किचन जो है क्लीन कर गई थी, लेकिन बस मुझसे एक गलती हो गई कि मैं सारा सामान जो है वो कैबिनेट में नहीं रख सकी, तो जो सामान बाहर था तो वो भी मिट्टी से जो है वो उस पर भी समझ जाए कि मिट्टी आ चुकी थी। तो स्टार्ट में सबसे पहले मैंने अपना जो है वो सिंक क्लीन किया, क्योंकि सिंक में ही मुझे सारा काम करना था, तो पहले मैंने सोचा कि इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि मुझे जो बर्तन भी थे वो दोबारा से वॉश करने थे और उस पर बर्तनों का जो स्टैंड था वो भी मुझे जो है वो यहीं पे जो है वो क्लीन करना था। लास्ट में मैंने जो है वो अपना डोर क्लीन किया। सिंपल मैंने सर्फ वाला पानी ली के और उसको स्पंज की मदद से जो है वो पहले क्लीन किया है, और उसके बाद जो है वो क्लॉथ जो है थोड़ा सा क्लॉथ को वेट करके उसके साथ जो है वो उसको क्लीन किया है सिंपल।
और इस तरह करने से मेरा डोर जो है वो इतना क्लीन हो गया था और बहुत ज़्यादा जो है वो चमक चमक रहा था। लास्ट में जो है वो मैंने मोब नहीं किया, मैंने सोचा कि सर्फ डाल के जो है वो वाइपर से जो है वो क्लीन कर दिया जाए। तो जनाब ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। मैंने मॉप कर लिया था, मैं बैठ के मॉप करती हूँ तो इसलिए मैंने जो है उसको शूट नहीं किया। बाकी जो है ये मेरे रूम का फाइनल लुक है। ये है मेरा वॉशरूम आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर डीप क्लीनिंग। और मैंने यहाँ पर जो है वो अपना सारा सामान जो है वो सेट करके रख दिया था। और ये मेरे किचन का जो है वो फाइनल लुक है। और मैंने यहाँ पे मनी प्लांट रखा। कैसा लग रहा है आपको मेरा किचन, ज़रूर बताइएगा। तो मैंने शावर ले लिया है और मैं हो गई हूँ फ्रेश। मुझे स्किन केयर का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, वरना मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करती। लेकिन मैंने अपने हैंड्स पे थोड़ा मॉइस्चराइज़र अभी लगा दिया था और मैं थोड़ा मसाज कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी था इसलिए। और मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी है जो मैं अभी पीऊँगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो है मिलते हैं अगली रूटीन में। अल्लाह हाफिज़।